गाइस, आपको मेरे चैनल में मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह के फजल करम से आप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, कल मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैं सोची आप सबको दिखाऊंगी, पर मेरे पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। मैं बना ही रही थी वीडियो कि ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट तक बना, वो फिर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। तो मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है और आज मैं बहुत अपसेट हूँ गाइस। मेरा झगड़ा हो गया मेरे हस्बैंड के साथ, आज सुबह में बहुत लड़ाई हुआ उनके साथ। सो गाइस, बस वजह यह है कि मेरे ससुराल वालों के वजह से मुझे मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया। और आज मैं कुछ दिन में मैं खाना वाना नहीं खाई, मैं भूखी सोई हूँ। और मेरी फातिमा को देखिए, इसके लिए भी मैं आज मतलब झगड़ा हो गया। तो आज मूड ख़राब था तो गुस्से से मैं इसके लिए भी मैं आज खिचड़ी नहीं बनाई। तो मेरी बच्ची भी सिर्फ मेरा दूध पीकर वो सो रही है। और मेरी फातिमा का भी तबीयत अभी अच्छा नहीं है, कल से उसे ज़ुकाम हो गया है तो थोड़ी परेशान है। और सुबह मैं सिर्फ आधा चम्मच में इसे सेरेलैक्स खिलाई और खाकर वो थोड़ा सा खेली हो। फिर मैं जब तक खेली हो मैं कपड़ा धो ली और फिर उसे मैं लेकर दूध पिला के उसे मैं सुला दी। सुबह में मैं सोची कि कल मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैं घर में बाहर से खाना बन कर आया था, बिरयानी बना था। तो मेरे ससुराल वालों को मैं सबको इनवाइट की थी, सभी आए थे और मेरे मायके से भी सब आए थे। तो मैं अपने सास के लिए और देवर के लिए मैं खाना दी। तो मेरे देवर मेरे बेटे के अपने भतीजे के बर्थडे में वो नहीं है, क्योंकि शुरू से मेरे ससुराल वाले जो हैं गाइस, मैं इतनी अपसेट हूँ गाइस, मैं इतनी अपसेट हूँ गाइस कि मैं बता नहीं सकती गाइस। मैं आज सुबह में बहुत रोई गाइस, मैं किचन में जाके बहुत रोई। सो गाइस, शुरू से मेरे बच्चे को शुरू से मेरे ससुराल वाले बहुत काट छाट कर रखते हैं। और वो लोग हमेशा अपने नाती नतनी भगना भगनी इन लोग को अपने सटा कर रखते हैं। तो मैं एक आप ही बताइए कि अगर एक माँ के सामने उसके बच्चे को काट छाटा जाए, उसे मतलब उसे बहुत छाट कर रखा जाए, तो वो माँ को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो मेरे बच्चे के साथ हमेशा शुरू से मेरे बच्चे के साथ ये सब किया जाता है। तो सब कल आए, मेरी ननद आई, मेरी जेठानी आई, मेरे ननद के हस्बैंड आए, मेरे बड़े भसूर आए, मेरी सास आई। तो वो मेरे बच्चे को क्या देते हैं नहीं देते उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग आओ और महंगे गिफ्ट लाओ, महंगे कुछ दो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग प्यार से हैं, प्यार से मेरे बच्चे के सर में हाथ रख दीजिए, उसे दुआ दीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। मेरी सास आई, खाना नहीं खाई, बोली देवर के लिए मैं बहुत देर तक वेट कर रही थी। उसे मैं फ़ोन की, वो बोला कुछ रीज़न है जिसके वजह से मैं नहीं आ सकता, तो वो नहीं आया। तो मैं सुबह उठकर मैं चाय पी के, और मेरा बीपी प्रॉब्लम है, मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है, तो मैं सुबह उठ के पहले मैं हाई प्रेशर के बाद दवा खाती हूँ, चाय के साथ मैं दवा खा कर मैं बैठी थी। और मेरे हस्बैंड भी थे, मेरे दोनों बच्चे भी थे। तो मैं सोची मैं अपने मायके में भी फ़ोन करके मैं अपनी भाभी से पूछी, भाभी मैं जो क्योंकि वो लोग कर लेट हो गया तो वो लोग घर में मेरे यहाँ पे खाना नहीं खाए, बोले पैक करके मुझे दे दो, मैं अपने घर जाके खा लूँ। मैं अपने भाइयों के लिए, और मेरी अम्मी भी नहीं आई थी, उन्हें फीवर हुआ था तो वो नहीं आई, तो मैं उन सबके लिए खाना दे। तो मैं सुबह फ़ोन करके कॉल करके पूछी कि मैं आप लोगों के लिए मैं जो खाना दी थी कम तो नहीं पड़ा था ना, तो वो बोले नहीं। तो उसी तरह से मेरा फ़र्ज था कि मैं अपनी सास से भी पूछूं कि मैं जो खाना दी तो आप लोग को कम तो नहीं पड़ा, कुछ ख़राब तो नहीं था। तो मैं कॉल करके पूछी तो मेरी सास बोली नहीं, मेरी सास उल्टी जवाब मुझे देने लगी, टेढ़ी जवाब देने लगी कि हाँ हम लोग क्या इतना इतना खाते, हम लोग का पेट इतना भरा है कि इतना खाना
तुम पूछ रही हो खाने के लिए, नहीं तुम दी, हम लोग का खाना हो गया। खैर वो बोली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पीछे से मेरे देवर चिल्ला रहा, बोल रहा हाँ कौन है नजमा है? तो मेरी सास बोली हाँ। तो वो अपनी माँ से फ़ोन छीन के ले के मुझे उल्टे सीधे बात बोलने लगा। वो बोला, मैं कल अपनी सास को बोली कि मुझे ख़राब लगा कि मेरा देवर, मेरा जो छोटा देवर है उसके बहुत घमंड है, वो बहुत घमंड है। मैं गरीब हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, मैं किसी से नहीं मांगती, मेरी शादी को 9 साल हो रही, मैं कभी भी किसी से, अपने ससुराल वाले से कभी भी मैं मदद नहीं मांगी, मैं ऐसा ज़िंदगी भी बिताई हूँ कि हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं खा के हम लोग सोए हैं रात को, और कभी मैं उन लोगों से मदद नहीं मांगी, कभी एक टाइम का खाना नहीं मांगी मैं। पर वो मुझे दिमाग दिखा रहा है, क्योंकि मैं सास को, मैं रात तक उसका इंतज़ार देख रही थी कि वो आएगा मेरे बच्चे की बर्थडे में आएगा, पर वो अपने भतीजे के बर्थडे में नहीं आया। वो तो मैं रात तक इंतज़ार देखी, फिर मेरी सास को बोली कि लेट हो रहा, मुझे खाना दे दो, मैं लेके चली जाऊँगी। तो मैं छोटे देवर के लिए और सास के लिए खाना दे दी। तो मैं बोली कि मेरे देवर का भी कल सनीचर के दिन, कल उसका भी दिन तारीख, उसका शादी होने वाला है, तो उसके ससुराल से सब मेहमान आएंगे, गेस्ट लोग आएंगे, और उसका दिन तारीख बैठेगा। तो उन लोगों ने मुझे भी दावत दिया कि तुम भी आओगी बच्चों के साथ। मैं बोली हाँ, लेकिन मैं फिर कल, मुझे बुरा लगा कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, उसमें तुम नहीं आए, तो मैं भी तुम्हारे काम में नहीं जाऊँगी। तो मैं कल अपने सास को सभी के सामने मैं बोली कि सैटरडे के दिन मैं नहीं जा पाऊँगी, रात का दावत था, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरा कुछ काम है, मैं उस काम से थोड़ा बाहर निकलूँगी, मैं नहीं आऊँगी। तो मेरी सास गई घर और जाकर अपने बेटे को बोल दी, मेरे देवर को बोल दी। अब मेरा देवर जो है, मैं सुबह जब फ़ोन की सास से पूछने के लिए कि आप लोग ठीक से आप पहुँच गई, आप खाना वाना आप लोग का कम तो नहीं हुआ, बोली नहीं। वो फ़ोन में मुझे इतनी खरी खोटी बातें सुनाया, वो इतना कुछ मुझे इतना बुरा भला बोला। वो बोलता है कि तेरे बेटे के काम में मैं तुम्हारे बेटे के बर्थडे में नहीं आया, तो तुम्हारे बर्थडे बच्चे का, तुम्हारे बेटे का नहीं हुआ बर्थडे, नहीं हुआ हुआ ना, तो तुम मेरे काम में नहीं आओगी, तो क्या मेरा काम नहीं होगा, मेरा भी काम हो जाएगा। था हाँ, कभी काम किसी के लिए नहीं पड़ा रहता है भाई, सबका काम हो जाता है। तो तुम मेरे बच्चे के बर्थडे में नहीं आए, तो क्या मेरे बच्चे का बर्थडे नहीं हुआ, या तुम्हारा कल काम है, तुम्हारे काम में मैं नहीं जाऊँगी, क्या तुम्हारा काम नहीं हुआ, किसी के लिए कुछ नहीं रुकता है, तो तुम्हारा भी काम नहीं रुकेगा और मेरा भी काम नहीं रुका। पर वो इस तरह से, इस टोन से वो मुझसे बात किया, वो इस तरह से इतना वो मुझे छोटी बड़ी बात बोला, मुझे इतना रोना आया कि मेरे भाई लोग कभी मुझे इस तरह से मुझसे बात कोई नहीं करता है, और वो बंदा किया। तो मैं रोने में बहुत गुस्सा होकर मेरे हस्बैंड को मैं बोली, बहुत चीखी चिल्लाई कि तुम्हारा भाई मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा, और मुझे ये, और फिर मैं जाके किचन में रोने लगी। और फिर मेरे हस्बैंड को नाश्ता दी, तो वो गुस्से से नाश्ता नहीं किए, कहते हैं कि तुम मेरे सामने का निवाला मुझसे छीन ली, तुम सुबह सुबह दिन ख़राब कर दी चिल्ला चिल्ली करके। तो गाइस, मैं आप सबसे पूछती हूँ, और जितनी माँ बहनें हैं, जितनी घर की बहू है, मैं उनसे पूछती हूँ आपसे, अगर आपका कोई छोटा है और वो आपको छोटा बड़ा बात बोले, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके बच्चे के बर्थडे में नहीं आए, तो आपको कैसा लगेगा? वो अपने भगना भगनी के बर्थडे में जाता है, लेकिन मेरे बच्चे के बर्थडे में वो नहीं आया, तो मुझे वो बुरा लगा, तो मैं उसके भी काम में जाने के लिए मैं मना कर दी। उसके लिए वो फ़ोन में मुझे इतनी खरी खोटी बात सुनाया कि मैं रोने लगी। और फिर मेरा साथ मेरा हस्बैंड भी नहीं दिए, मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं दिए, उन्हें वहाँ था कि वो फ़ोन करके अपने भाई से पूछते, हाँ मेरी वाइफ ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम मुझे इतनी बातें सुनाने लगे, उसे खरी खोटे बात सुनाने लगे मेरे वाइफ को। पर मेरे हस्बैंड यहाँ कुछ नहीं पूछे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, वो नहीं पूछे। मैं वही उनसे बोली कि आपका फ़र्ज़ था यहाँ कि आप यहाँ अपने भाई को कॉल करके पूछते कि हाँ मेरी वाइफ ने तुम्हें क्या कहा कि तुम उसे इतनी बातें सुना रहे थे, इतनी बात सुनाए, हाँ ऐसा क्या उसने कह दिया या उसने क्या गलत कहा तुमसे। पर वो अपने भाई से कुछ नहीं पूछे, अपने भाई और अपने
माँ के बारे में सोच नहीं कुछ पूछे, पर इनके लिए मैं इतना करती हूँ। और आज वो मतलब अपने तो मैं बहुत हर्ट हुई, मुझे बहुत बुरा लगा, तो उनसे मेरी लड़ाई हो गई। फिर वो जब काम में जाने लगे तो मैं उन्हें बोली, मैं खाना गर्म करके, जब 2:30 बज गए थे तो वो खाने का टाइम हो गया था, तो मैं बोली मैं आपको खाना दूंगी गर्म करके, आज मैं खाना नहीं बनाई, कल का खाना बहुत बचा हुआ था तो वही हम लोग खा लेंगे खाना। तो गुस्से से वो खाना नहीं खाए, बोले सुबह में तुम मेरा सामने से खाना तुम छिनवा दी, तो वो नहीं खाए। तो मैं उन्हें बोली चिल्ला के, आप एक बार भी आप अपने भाई से नहीं पूछे कि वो मुझे इतना झाड़ा, इतना उल्टी पुल्टा बात बोला, आपको पूछना चाहिए था लेकिन आप नहीं पूछे। पर वो बोले मुझे चिल्ला चिल्ली, मुझे झगड़ा लड़ाई नहीं पसंद, मैं वहाँ करूँगा, मैं तुम्हारा बात सुनता हूँ तो उन लोग के पास ख़राब हो जाता हूँ, उनका बात सुनता हूँ तो तुम्हारे पास ख़राब हो जाता हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पूछना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तुम्हें बोलते हैं मुझे कि तुम्हें लड़ाई करना है तो तुम चलो वहाँ जाके तुम लड़ाई करो। मेरे माँ बाप ने ये सब सीख नहीं दिया कि ससुराल में जाके मैं लड़ाई करूँ सास से देवर से। तो उसने मुझे छोटे बड़े बात बोला, वो ठीक है, उसका इंसाफ ऊपर में है, वो ऊपर वाला करेगा, तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली। मुझे बस बुरा लगा तो वो खाना नहीं खाए, तो मैं भी आज कुछ नहीं खाई। मैं सुबह में जब हाई बीपी का दवा खाई, दवा खाने के बाद एक कप चाय पी मैं, उसके बाद एक ब्रेड और मक्खन में खाई, बस वही खा के हूँ। आज मेरी फातिमा के लिए भी हम कुछ नहीं बनाए, फातिमा दूध पी रही तो दूध भी मेरा नहीं हो रहा क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ नहीं, मुझे भूख लगा। तो जब तक इसके पापा खाना नहीं खाते मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, मैं कसम खाऊंगी। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बोलिए मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अगर कहीं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बोलिए, मुझे समझाइए, क्योंकि मैं ये सब बातें अपनी मायके में भी नहीं बोल सकती, ये सब बातें मैं शेयर नहीं कर सकती अपने भाई भौजाई माँ बहनों से, मैं ये सब नहीं बोल सकती क्योंकि ये ससुराल का बात है, मैं क्या बोलूँ उन लोग को। तो इसलिए जितनी मेरे YouTube पे माँ बहनें हैं, भाई बहन हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो आप मुझे बोलिए, डांटिए प्लीज़ गाइज। और गाइज जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक सब्सक्राइब करें, जिन्हें अच्छी नहीं लगती कोई बात नहीं, पर मैं ये वीडियो लाइक सब्सक्राइबर के लिए या व्यू के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, बस मैं अगर चाहती व्यू के लिए सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए तो मैं सुबह ही ये वीडियो बनाती, पर अभी इस वक्त 4:30 बज रहा है और मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि मैं कपड़ा धो के बाबू के साथ मैं सो करती तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बेचैनी सा हो रहा था कि मैं किसे ये सब किसे बताऊं, किससे शेयर करूं। बगल में मेरी यहाँ पे कुछ दूरी में मेरी बहन भी रहती है, मैं उससे फ़ोन की थी, मैं सोची उसे सारी बातें बताऊं शेयर करूं, पर मैं नहीं फिर बता पाई ये सब चीज़, क्योंकि वो क्या सोचेगी कि देखो इससे छोटा इसका देवर इसके साथ इतना बदतमीजी किया, इसे बड़ी छोटी बात बोला, क्योंकि मेरा देवर ऐसा है वो बहुत घमंडी है, वो किसी को भी बड़ा छोटा वो बात बोल देता है, उसके अंदर अकड़ और घमंड बहुत है, और मैं थोड़ी गरीब हूँ तो इसलिए थोड़ा वो ज़्यादा मुझे बोल देता है, मुझे ज़्यादा बातें बोलता है। हमेशा से मेरे ससुराल वाले हमेशा से हम लोगों को काट छाट के ही रखते हैं वो लोग, क्योंकि मेरी सास मेरे ससुराल वालों के पास सिर्फ पैसा अहमियत रखता है, जिसके पास पैसा है उन्हें वो ये हथेली में रखते हैं, उनके बच्चों को भी हथेली में रखते हैं, उन लोगों को भी हथेली में रखते हैं, और शुरू से हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोगों को वो इस तरह से गिरा के रखते हैं। और मेरा एक बच्चा है, मेरा बेटा है, उसे तो वो लोग कभी भी वो प्यार वो अपना पर वो देते ही नहीं, हमेशा पराए जैसे उसे रखते हैं। और मेरी अभी एक बेटी है फातिमा है, उसे भी उसी तरह से,
कर मेरी बेटी 1 साल की होने जा रही है, मंडे को वो 1 साल हो जाए, 21 तारीख को वो 1 साल हो जाएगी, पर हम लोग 21 तारीख को इसका बर्थडे नहीं करेंगे, 20 को ही हम लोग संडे को करेंगे, क्योंकि मंडे के दिन सभी का काम रहेगा, किसी का छुट्टी नहीं रहेगा और कोई आने नहीं सकेगा, इसीलिए हम लोग इतवार के दिन कर दें मेरी बेटी का बर्थडे। मेरी बेटी 1 साल की होने के जा रही है, पर उसकी दादी अब तक उसके लिए कुछ नहीं ला के दी। अगर उसकी दादी मेरी बेटी के लिए एक गंजी भी ला के देती ना, हम लोगों का इतना सारा फेस्टिवल गया, हम लोगों का ईद गया, बकरीद गया, मेरी बच्ची का ये पहला पर्व, ईद बकरीद मेरी बच्ची का पहला पर्व था, पर मेरी बच्ची को एक गंजी तक, 10 रुपया का एक सूता तक मेरी बेटी को वो नहीं ला के दी। मेरी बेटी को भी वो काट छाट कर रही है। अगर मेरे एक भसुर हैं, उन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों को वो हथेली में रखती हैं, उनके बच्चे को लेना देना सब करती हैं। मैं गरीब हूँ तो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत काट छाट के रखती है। यहाँ तक कि गाइस, मैं पहले उनके, मेरे ससुर नहीं है, डेड हो गए हैं, तो मैं सास हमेशा, जब मेरी फातिमा पेट में थी तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि अपना बीवी को और बेटा को डॉक्टर दिखाता है, सब करता है, लेकिन माँ को मुझे खर्च नहीं देता है। तो मैं अपने, मेरे हालात बहुत ही ख़राब थे शुरू से, पर मैं अपने हस्बैंड को कसम दी, बहुत समझाई कि आप हम लोगों को तकलीफ़ दीजिए, हम लोगों को तकलीफ़ दीजिए, हम लोगों को मत दीजिए, लेकिन आप, आपका जितना होता है अपनी माँ को महीने में खर्च दीजिए उन्हें, आप हम लोगों को, मेरे बच्चे को तकलीफ़ दीजिए, हम लोगों को दीजिए, क्योंकि मेरा, मेरे हस्बैंड का, मैं भाड़ा घर में रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो पैसा बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पैसे नहीं बचते हैं, हम ही लोग खुद पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं बोली उन्हें, उसी में से काट छाट के, आप हम लोग को तकलीफ़ दे के काट के, आप अपनी माँ को महीने का पैसा दे दिया करो, मुझे किसी की हाय बद्दुआ नहीं चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी किसी की हाय बद्दुआ लगे, तो मैं नहीं चाहती। हम लोग थोड़ा कम खा लेंगे, मेरे बच्चे थोड़े कम खा लेंगे, वो उसमें मैं गुजारा खुशी से कर लूँगी, पर मुझे आपकी माँ की हाय बद्दुआ की ज़रूरत नहीं है। तो अब तक तो गाइस, मैं अपने सास को खर्चा भी देती हूँ, उस पर भी मेरी सास हम लोगों को इतना काट छाट के रखती है, वो हम लोगों को नीचे नज़र से देखती है, क्योंकि मैं गरीब, मेरे बच्चे गरीब है, इसलिए हम लोगों को वो उस तरह से करती। आज हमारे पास पैसे आ जाए ना, तो ये जो देवर मुझे छोटा बड़ा बात बोला और ये सास दो मुझे टेढ़ी बोली बोलती है, यही लोग हम लोगों को ना हथेली में रखेंगे। पर खैर कोई बात नहीं, ये लोग, इन लोगों के पास रिश्ते पैसे से तोले जाते हैं और किसी चीज़ से नहीं, तो कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे बच्चे को नहीं पूछते हो, मेरे नहीं वाले, मेरा ऐसा ज़ुबान है, मेरा ऐसा मुँह मैं रखती हूँ ना, कि जो जिनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं, जिनसे मेरा कोई रिश्ता ताल्लुकात नहीं, कोई रिश्ता नहीं, वो लोग मुझसे ताल्लुकात रखते, मुझसे दोस्ती रखते, वो लोग मेरे बच्चे को प्यार करते हैं, मेरे बच्चे को अपनापन देते अपनापन देते हैं गाइस, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम, ये कोई नई बात नहीं है, मैं ये तो 9 साल से देखती आ रही हूँ, तुम लोगों की ये सब सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करो तुम जितना करना है मेरे बच्चों के साथ, अल्लाह ऊपर है, अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह अब तक इंसाफ करते आया है, आगे भी अल्लाह इंसाफ करेगा, आगे तुम लोग की ईमान। सो गाइस अल्लाह हाफिज़। मैं फ़ोन रखती हूँ, आप लोग कमेंट करके बोलिएगा मैं कहाँ गलत हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, अल्लाह हाफिज़।